आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। महू के ग्राम चिकली में ग्लोबल सिटी के नाम से कॉलोनी काटने के नाम पर जीएसएल डेवलपर्स के डायरेक्टर्स पर भूखंड विक्रय के नाम पर भुगतान लेने के बाद भी भूखंड नहीं देने का आरोप लगाते हुए पीड़ितों ने इंदौर आईजी कार्यालय पर जनसुनवाई में लिखित एवं नामजद शिकायत की है। मंगलवार को इंदौर आईजी कार्यालय में जनसुनवाई में पहुंचे पीड़ित शिवचरण साहू, पुरुषोत्तम पंडित, शिव कुमार, आशीष कुमार, कृष्ण कुमार राय ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि ग्लोबल सिटी के कर्ता धर्ता एवं एजेंटों ने षड्यंत्र पूर्वक भूखंड क्रय करने के लिए प्रेरित करते हुए भुगतान ले लिया। पिछले अनेक वर्षों से लगातार भूखंड का कब्जा सौंपने एवं रजिस्ट्री का झांसा देकर पूरा पैसा ले लिया गया, किंतु अभी तक हमें भूखंड नहीं दिया गया। आरोपियों ने जानबूझकर किसानों को उनकी राशि प्रदान नहीं की। अब वे लोग कार्यालय बंद करके फरार हो गए हैं। कोल इंडिया में इलेक्ट्रीशियन के पद पर कार्य कर रहे पीड़ित पुरुषोत्तम पंडित ने बताया कि वे आरोपियों को 5 लाख रुपए से अधिक दे चुके हैं, किंतु भूखंड नहीं मिलने से उनकी पत्नी आभा पंडित मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है, क्योंकि हमने अपने जीवन भर की जमा पूंजी भूखंड खरीदने के लिए लगाई थी। मंगलवार को पीड़ितों ने जीएसएल डेवलपर्स लिमिटेड के डायरेक्टर विश्वास गोपाल राव देशमानकर, राजेश नंद किशोर कुशवाहा, नसरुद्दीन जेड इशाक, एजेंट चंचलेश गुप्ता, अबीर सेन, तरुण कुमार घोष एवं अधिवक्ता प्रकाश वर्मा के खिलाफ आईजी को लिखित शिकायत की है। भूमाफियाओं के खिलाफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उठाए जा रहे सख्त कदमों से पीड़ितों को न्याय की उम्मीद बंधी है। सर, हम लोगों ने सन 2010 में जीसीएल डेवलपर्स बिल्डर हैं, उनसे हम लोगों ने प्लॉट लिया था। ये मऊ क्षेत्र में चिखली गाँव है, वहाँ पर है आईआईटी के आगे में। तो उस समय से लेकर के आज तक के बिल्डर्स ने हम लोगों से सारे पैसे ले लिए और आज तक के रजिस्ट्री भी नहीं करवाई। रजिस्ट्री के नाम पर दो दिन करते हुए आज तक के लगभग 8-10 साल हो गए हैं, और वो बस झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे। डेवलपर्स का क्या नाम है, फर्म का क्या नाम है? ग्लोबल सिटी लिमिटेड करके हैं, और उनके जो मालिक है वो है नाजिर खान जी और विश्वास देशमानकर जी, डायरेक्टर है वो यहाँ पर, और उनके साथ में एजेंट भी हैं बहुत सारे, चंचलेश गुप्ता, अबीर सेन और एक दो और हैं एजेंट। आप तो कितना पैसा लगा चुके हैं अभी तक? ये मतलब हम लोग का जो प्लॉट उस समय जो हम लोगों ने लिया था वो 5 लाख का लिया हम लोगों ने, लेकिन आज तक के 10 साल हो गए हैं, उसका कुछ भी ना रजिस्ट्री हुई नहीं, कुछ भी नहीं, रजिस्ट्री के नाम पर भी पैसे ले लिए गए। आपने इसकी शिकायत इसके पहले कहीं की? जी हाँ, शिकायत की थी, लेकिन अभी इतने बड़े लेवल पर नहीं की थी। आज सर के पास आए हैं, आज पता चला है कि मुख्यमंत्री जी ने नया काम चालू किया है कि भाई जो भी प्रॉपर्टी फ्रॉड है, जो भी बिल्डर्स हैं उनके ऊपर शिकंजा कस रहे हैं, तो हम लोग भी इसी आस में आए हैं कि सर को आज हम आवेदन देंगे और जो हमारी शिकायत है वो दर्ज कराएंगे। आप लोग बिल्डर्स के पास जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं, किस तरह से आनाकानी करते हैं? जी, बिल्डर्स के पास सर ऐसा है कि फ़ोन लगाओ तो उठाते नहीं हैं, फ़ोन यदि कभी उठा भी लिया तो 2-4 दिन ऐसे करते करते वो मतलब बातों को टालते रहते हैं और काम के नाम पर कुछ नहीं है। चिखली ग्राम में थाना क्या तहसील मऊ में जिसका नासिर खान जी मालिक हैं, अबीर सैन जी जिससे पैसा हम लोग पूरे दे चुके हैं, यहाँ रजिस्ट्री से लेके नामांतरण तक ये पैसा दे चुके हैं, आज तक हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है। कितने प्लाट होल्डर्स प्रभावित हो रहे हैं इससे? करीबन हम लोग पाताखेड़ा बैतूल डिस्ट्रिक्ट से कम 50-60 लोग व्यक्ति हैं, सबको पैसा ले लेके ठग लिया है, और अपने अपने जब पैसा लेने रहता रोज़ आते थे हमारे घर पे, पैसा लेके जाते थे, बोले हम चेक दे दो, पैसा दे दो, कैश लेके गए। आज डीआईजी कार्यालय में क्या उम्मीद से आए आप लोग? डीआईजी से उम्मीद है कि हमारा जो जन सुनवाई के माध्यम से कुछ ना कुछ हमारा समस्या समाधान होगा।